नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सोमवार को हुई मुठभेड़ में सेना के दो जवान घायल हो गए। इसके साथ ही एक आर्मी डॉग भी जख्मी हुआ। इंडियन आर्मी के चिनार कॉर्प्स ने ये जानकारी दी है। घायल हुए सेना के असॉल्ट डॉग का नाम ज्यूम है। वह गोली के बाद भी आतंकियों से लड़ता रहा। इसके चलते सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया। चिनार कॉर्प्स के मुताबिक 10 अक्टूबर को सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ज्यूम भी इसका हिस्सा था। इस दौरान सेना के जवानों ने ज्यूम को एक घर में भेजा जहाँ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। ज्यूम ने आतंकियों की पहचान की और उन पर हमला कर दिया। इस दौरान उसे दो गोलियां लगी। जख्मी होने के बावजूद वह आतंकियों से लड़ता रहा, जिसके चलते जवानों ने आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। ज्यूम को वेटनरी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, उसका इलाज जारी है। अधिकारियों ने बताया कि डॉग को आतंकवादियों का पता लगने और उन पर हमला करने और उन्हें मारने की ट्रेनिंग दी गई है। इससे पहले भी वह कई ऑपरेशन को अंजाम दे चुका है। उसने कई आतंकियों की तलाश करने में भी मदद की है। चिनार कॉर्प्स ने ज्यूम के जल्द ठीक होने की कामना की है। चिनार कॉर्प्स की ओर से शेयर की गए वीडियो में ज्यूम को दी गई ट्रेनिंग के बारे में दिखाया गया है। आर्मी का हिस्सा होने के कारण डॉग की अलग अलग ड्यूटी होती है। इसमें गार्ड ड्यूटी, पेट्रोलिंग, विस्फोटकों को सूंघना, ड्रग्स की पहचान करना आदि शामिल है।